नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए सुनुई क्षार। दोस्तों सुनुई क्षार बनाने के लिए हमें सुनुई की आवश्यकता होगी। सुनुई जिसे सेहुंड नाम से भी जाना जाता है, इसको डंडाथुअर नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा इसे थोर नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम आपको सुनुई क्षार बना के दिखाते हैं। सुनुई क्षार बनाने के लिए सुनुई पंचांग की आवश्यकता होती है। एक तरह का कंटीला पौधा होता है जो कि आमतौर पर रेतीले रेगिस्तान में या फिर पूरे भारतवर्ष में भी पाया जाता है। दोस्तों इसको खेतों की बाड़ों पे लगाया जाता है और इसके अंदर दूध होता है, इसीलिए इसके मिल्क बुश नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस औषधि को वैसे तो सुखा के इसका प्रयोग करना होता है, लेकिन सुखाने के लिए ये बहुत दिनों तक सूखती नहीं है क्योंकि इसके अंदर दूध होता है, और इसीलिए हम इसको काट के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं ताकि ये जल्दी सूख जाए। वैसे नॉर्मली आप इसको काट के छत पे डाल दें या कहीं भी डाल दें जहाँ पे 5-6 महीने बाद ये सूख जाती है अच्छे से, लेकिन अगर आप इसको जल्दी सुखाना चाहते हैं या 10-15 दिन में सुखाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से काट लें, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें ताकि ये जल्दी सूख जाए, और इसीलिए मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ। दोस्तों इसका उपयोग क्षार बनाने के लिए किया जाता है, और इस क्षार का प्रयोग क्षार सूत्र जो कि आयुर्वेद में सर्जरी के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें पाइल्स फिस्चुला के लिए अर्शभगंधर के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको बनाने के लिए आज हम सुनुई क्षार बनाएंगे। वैसे क्षार दो तरह के होते हैं, एक पानी क्षार होता है जो कि खाने के प्रयोग में लिया जाता है, एक होता है प्रतिसारणीय क्षार जो कि बाहर शरीर पे लगाने के लिए काम किया जाता है या फिर क्षार सूत्र के लिए काम किया जाता है। तो आज हम आपको सुनुई क्षार बना के दिखाएंगे। सुनुई क्षार का प्रयोग दोनों तरह से किया जाता है, बहुत से रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत से दवाइयों के साथ मिला के प्रयोग किया जाता है। तो क्षार बनाने की जो सिंपल विधि है उसका हम प्रयोग करेंगे। क्षार बनाने के लिए पहले उस औषधि को अकेले को जलाना होता है, तो इसके लिए कोई बर्तन ले लें या साफ सुथरी जगह पे अकेले को जलाएं। औषधि के जलने के बाद जो राख प्राप्त हो उसी में क्षार होता है, तो उस राख का हमें 8 गुना पानी लेके उसमें घोलना होता है। उस पानी को थोड़ी देर स्थिर रहने दें, जब वो पूरी तरह मिल जाए उसके बाद उसको छान लें। इस तरह से 7 से लेकर 21 बार तक छानना होता है। सुनुई क्षार का प्रयोग अकेले रूप में बहुत कम किया जाता है या बाह्य रूप में किया जाता है। अगर इसको खाने के प्रयोग में लिया जाना हो तो इसको शंखभसम, सर्जी क्षार, यव क्षार के साथ मिला के विसूचिका, अजीर्ण, पांचों तरह के गुल्म और संग्रहणी और दारुणशूल रोग में प्रयोग किया जा सकता है, जिनसे बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा सुनुई क्षार को सेंधा नमक, सोचर नमक, विड़ नमक, जवाखार, सर्जी खार और टक्कन क्षार के साथ मिला के सेवन करने से शोथ, प्लिया, उदर रोग नष्ट हो जाते हैं। सुनुई क्षार को त्रिशूर्ण चूर्ण और मधु में मिला के सेवन करने से बड़ा हुआ श्वास रोग मिट जाता है। दोस्तों सुनुई क्षार को निकालने के लिए इस तरह से पानी में घोल दें, फिर इस पानी को थोड़ी देर रखें और दूसरे बर्तन पर कपड़ा बांध के उससे इसको एक बार छान लें। पहली बार में छानोगे तो जो मोटा पार्ट होंगे वो अलग हो जाएंगे, और फिर उस पानी को थोड़ी देर के लिए आप स्थिर छोड़ दें, या मान लीजिए 2 घंटे उसको अच्छे से स्थिर छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि जिसकी जो मोटी गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर जो साफ पानी हो उसको निथार के आपको लेना है। दोस्तों इस पानी को लगभग 7 बार आपको इसी तरह से स्थिर रख के छानना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि एक कढ़ाई लेनी है, उस कढ़ाई में इस पानी को फिर से छान के और इस पानी को आपको गर्म करना है। दोस्तों इसी पानी के अंदर क्षार पाया जाता है जो कि आपको देखने में घी के समान नज़र आता है, पीला कलर का, और जब इसको आप हल्की आंच पे पकाते रहते हैं तो जो पानी उड़ जाता है उसके बाद जो शेष मात्र रह जाता है वही आपका सुनुई क्षार है। इस क्षार का प्रयोग करके आप सुनुई क्षार के जो क्षार सूत्र होते हैं वो बना सकते हैं। हम आगे आपको एक वीडियो में क्षार सूत्र बनाना भी सिखाएंगे, जिसको बना के आप पाइल्स और फिस्चुला जैसे रोगों में क्षार सूत्र विधि से क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी के लिए हम ये क्षार तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी प्रोसेस है जिससे आप किसी भी चीज़ का क्षार निकाल सकते हैं। लगभग सभी क्षार इसी तरह बनाए जाते हैं। हमने पहले भी कई क्षार के वीडियो बनाए, जैसे मूली क्षार, यव क्षार, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा
सुनुई छार लगभग तैयार हो चुका है। दोस्तों इसका प्रयोग करने की मात्रा है वो 2 से 4 रत्ती बताई है, लेकिन इसको अकेले में प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्य औषधियों के साथ मिला के प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही तीक्ष्ण होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।